हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी की सब्जी एकदम दमालू स्टाइल में। आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा इस रेसिपी को फॉलो करके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और साथ ही साथ आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर मैंने लिया है करीब आधे किलो अरबी, जिसे मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करके उसे बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के लिए आप इसे साफ़ करके कुकर में पानी डाल करके करीब 3 से 4 सीटियाँ लगा लें। उसके बाद छील लें, छील के आप कट कर लें अपने डिजायर्ड पीसेस में। तो यहाँ पे पैन हो गया है गरम। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया है करीब 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल जैसे ही गरम हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन का। दोस्तों, इन सब्जियों के साथ जो ग्राउंड के अंदर होने वाली सब्जियां हैं, उनमें अजवाइन का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे क्या होगा कि उनका डाइजेशन बहुत ही सुचारू रूप से होगा। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है करीब 1 छोटा चम्मच अजवाइन का। जैसे ही अजवाइन पूरी तरीके से स्प्लटर हो जाएगा, मैंने इसमें ऐड कर दिया है ये जो उबली वाली अरबी थी वो। बस इन्हें अच्छी तरीके से आपको फ्राई कर लेना है। इसे फ्राई करते समय ध्यान रखें कि ये पूरी तरीके से मैश ना हो। तो जब तक अरबी फ्राई हो रही है, तब तक इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मसाले के लिए मैंने लिया है करीब 3 से 4 हरी मिर्चें। इसे मैंने एक मिक्सी के जार में डाल दिया है। करीब 4 लहसुन की कलियां और 2 मीडियम साइज के प्याज, इन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है, क्योंकि हमें आफ्टर ऑल इनका पेस्ट ही बनाना है। तो जब तक मसाला रेडी हो रहा है, आपको एक बार फिर से दिखा दूं कि अरबी जो है वो गोल्डन ब्राउन होनी शुरू हो गई है। आपको इसे फ्राई करते समय बहुत सारा पेशेंस रखना है, क्योंकि इसके फ्राई होने से ही हमारी सब्जी का स्वाद जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। यदि आप इसे अच्छी तरीके से फ्राई नहीं करेंगे तो सब्जी टेस्टी नहीं बनेगी और साथ ही साथ काफी चिपचिपी भी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं अरबी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। अरबी फ्राई होने के बाद मैंने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है। तो जिस पैन में हमने अरबी फ्राई की थी, एक बार फिर से उसी पैन को लेंगे। आप चाहे तो पैन चेंज भी कर सकते हैं, मैंने उसी पैन को लिया है। और मैं इसमें ऐड कर रही हूं करीब 1 चम्मच सरसों का तेल एक बार फिर से। तेल के थोड़ा सा गर्म होने का वेट कर लीजिए। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, मैं इसमें ऐड कर रही हूं करीब 1/2 छोटा चम्मच हींग। हींग, अजवाइन जैसी चीजें इन सब्जियों में ऐड कर देने से इनका डाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है। आपको इन्हें खाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, हमने उसमें ऐड किया हींग। हींग ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है जो हमने प्याज लहसुन मिर्च का मसाला रेडी किया था वो। इस मसाले को अच्छी तरीके से चलाते रहें। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है करीब 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाले के बाद 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से सब्जियों में तीखापन नहीं बढ़ता है, बल्कि एक बहुत ही अच्छा सा रेड कलर आता है, जिससे आपकी ग्रेवी जो है वो काफी रिच दिखती है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। एक बार फिर से सारी चीजों को चला लेंगे। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ट्राई करने के बाद यदि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलें। आप देख सकते हैं मसाला रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया है करीब आधा कप पानी का। इससे आपकी जो ग्रेवी है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगी। थोड़ा सा स्लरी जैसी ग्रेवी हमें रेडी करनी है। एक बार फिर से इसमें उबाल आने का वेट कर रहे हैं।
इसे स्टर करते रहें जिससे कि ये बॉटम में ना चिपके। तो हमारी जो ग्रेवी है वो हो गई है रेडी। बस यहाँ पे हमने जो अरबी पहले से फ्राई करके रखी है उसको ऐड कर देंगे। और अच्छी तरीके से मसाले के साथ इसे मिक्स कर देंगे। करीब 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से चलाते रहें। दोस्तों आप चाहें तो ये कम ग्रेवी वाली सब्जी को भी खा सकते हैं, लेकिन यदि आपको ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। ध्यान रखें आपको इसमें गर्म पानी ऐड करना है जिससे कि हमारी ग्रेवी का कलर अच्छा सा बना रहे। यदि आप ठंडा पानी ऐड करेंगे तो ग्रेवी का कलर कम हो जाएगा। तो बस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है करीब 2 कप पानी का और चीज़ों को एक बार फिर से अच्छी तरीके से मिला देंगे और इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। दोस्तों नमक को सबसे लास्ट में ऐड करना है क्योंकि यदि आप नमक पहले ऐड कर देंगे तो उससे जो अरबी है वो पानी छोड़ देगी और उससे जो सब्जी है वो काफ़ी चिपचिपी हो जाएगी। तो ध्यान रखें कि अरबी की सब्जी बनाते टाइम नमक सबसे लास्ट में ऐड करें। तो चलिए सब्जी हो गई है एकदम रेडी। ग्रेवी हमारी काफ़ी अच्छी हो गई है। अब मैंने इसे अपनी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी पर बंद कर दिया है। तो अब चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी काफ़ी अच्छी दिख रही है। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है कटा हुआ धनिया की पत्तियाँ। तो मैंने जो प्लेटिंग करने के लिए प्लेट लिया था ना वो कड़ाही शेप है। और लीजिए सब्जी रेडी है।